क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, आई थिंक इनको प्लेटफॉर्म हिल्स बोलते हैं। सो ये देखिए इस तरीके के ये लग रहे हैं, टैन कलर में मैंने इसे लिया। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करा है सो हाय, माय नेम इज नैना, मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करती हूँ अबाउट फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। सो आज का वीडियो होने वाला है आजियो फुटवेयर हॉल। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं बहुत ही अफोर्डेबल एंड ट्रेंडी पीसेस दिखाने वाली हूँ। सो यहाँ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, जो मेरे फेवरेट है। दीज आर दी फ्लैट कम हील्स, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, बट आई थिंक इनको प्लेटफॉर्म हील्स बोलते हैं। सो ये देखिए इस तरीके के ये लग रहे हैं, टैन कलर में मैंने इसे लिया है। एंड आई थिंक इसमें दूसरे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप लेना चाहते हो वहां से जाके आप ले सकते हो। सो ये देखिए इस तरीके के आपको ये स्लीपर्स मिल जाते हैं। इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसका जो मटेरियल दिया गया है, अगर इसमें कोई भी स्टेन लग जाता है आप सिंपली इसको वाइप कर सकते हो, वो साफ हो जाएगा। नीचे का सोल आप देख सकते हो इस तरीके का दिया गया है, तो ये बिल्कुल भी स्लीपी नहीं होंगे। इसकी हील 2 इंच की मिल जाती है। जो लोग हील में कंफर्टेबल फील नहीं करते वो इस तरीके के प्लेटफॉर्म हील ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी है और इनमें आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, बिकॉज ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पैर हिल रहा है, अभी आप गिर जाओगे। दीज आर रियली कंफर्टेबल स्लीपर्स एंड इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, स्टडी भी है, आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी वॉक करने में। और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी। अगर मैं साइज की बात करूं तो इसमें मैंने 39 साइज लिया है गाइज, जो मुझे हल्का सा लूज है, बिकॉज मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के लिए इसे बाय किया है एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी। इसमें अगर ब्लैक है तो आप ब्लैक भी ले सकते हो। इसको मैं जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ और साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं, और इसको हम ट्राउजर के साथ भी पहन सकते हैं। लाइक जैसे कभी समझ नहीं आता ना कि मैं क्या पहनूं, तो मैं इन्हीं पहन लूंगी एंड या दैट्स इट। थोड़े से मेरे बड़े हैं, मेरे सिस्टर इन लॉ को एकदम फिट है, तो हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ले सकते हो। ऑनेस्टली बहुत अच्छे हैं, बाद में आप मुझे थैंक यू बोलने आना। इट्स सो गाइज, मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम विच इज अ शूज, एंड दीज आर लाइक अ वेरी बेसिक शूज जो आपके कलेक्शन में होने चाहिए। सो इनकी पैकेजिंग मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, हालत बहुत खराब है गाइस इन सूज की, मतलब सूज के डब्बे की। आप देख सकते हो इस तरीके का इसका डब्बा हुआ, आप देख सकते हो इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है एंड इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, बट कोई बात नहीं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो ये देखिए ब्लैक कलर के ये शूज हैं, तो आई थिंक सभी के कलेक्शन में ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। सो डोंट वरी, मैं व्हाइट भी आगे आपको दिखाने वाली हूँ। सो इसका भी मैंने कचरा भी नहीं निकाला है, पूछ लेते इसको। सो ये देखिए, आई थिंक दिस इज उल्टा, आप ये देख सकते हो इस तरीके के शूज दिए गए हैं। दीज आर लाइक अ वेरी बेसिक ब्लैक शूज जो सभी के कलेक्शन में होने चाहिए। एंड अगेन इसमें मैंने 39 साइज लिया है। इसमें आपको डोरी दी गई है जिसे आप अपने साइज के हिसाब से लूज एंड टाइट कर सकते हो। ये देख सकते हैं आपको ऊपर का सोल इस तरीके का मिल जाता है। इसमें भी अगर कोई स्टेन लग जाता है तो इजिली छूट जाएगा। नीचे का सोल आपको इस तरीके का मिल जाता है एंड ये बिल्कुल भी स्लीपी नहीं है। इसमें जो आपको शोल दिया गया है वो काफी मोटा दिया गया है। इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, स्टडी भी है एंड क्वालिटी भी इनकी काफी अच्छी लग रही है। सो इसको मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लिया था। मैं स्क्रीन पे प्राइस मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ये देखिए, इसको आप कॉलेज पहन के जा सकते हो और ऑफिस भी कैरी करके जा सकते हो, बहुत अच्छे लगेंगे। इनकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लग रही है एंड बहुत कंफर्टेबल है, तो इनको आप ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शू बाइट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैंने जब ट्राई ऑन किया था तो इस शूज को कैरी किया था एंड मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे। पिक्ड अप अगेन अ शूज, ओपन करते हैं। या दिस इज वाइट शूज एंड इनको भी मैंने पहन के ट्राई ऑन किया है, इससे पता चल रहा है, आप देख सकते हो। ओके, सो ये भी एक ऐसे शूज है कि आपके कलेक्शन में होने चाहिए, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट 2 शूज आप ले लो एंड यू आर रेडी टू गो। मतलब आप इनको किसी भी कलर के जीन्स के साथ पहन सकते हो। जैसे आपने अगर ऊपर ब्लैक कलर का टॉप पहना है, नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहनी है, देन आप नीचे क्या करोगे, व्हाइट कलर का शूज पहन लो, बहुत अच्छा आउटफिट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने ऊपर ब्लैक कलर का टॉप पहना है, नीचे आपने ब्लू कलर की जीन्स पहनी, तो ब्लैक कलर का शूज डाल लो,
दैट्स इट। सो ये देखिए इस तरीके के आपको शूज मिलते हैं, सेम आई थिंक ब्लैक वाले जैसे ही है बट इसका कलर दूसरा है। अगेन मेरा इसमें साइज 30 ही है। शोल, अपर शोल आपको इस तरीके का मिल जाएगा एंड अपर शोल का जो फेब्रिक है वो मुझे लेदर तो नहीं लग रहा है बट आई थिंक अगर कोई इसमें स्टेन लग जाएगा तो आप उसको वाइप कर दोगे तो इजिली छूट जाएगा। नीचे का जो आपको शोल दिया गया है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है, ये थोड़ा सा आपको गंदा मिलेगा बिकॉज मैंने इसको पहन के ट्राई ऑन किया था। एंड डोरी दी गई है, आप अपने साइज के हिसाब से इसको लूज एंड टाइट कर सकते हो। ये जो शूज हैं इनको आप ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हो, बहुत अच्छे लगेंगे। आप इनको जैसे अभी मैंने कुर्ती पहनी है ना, इसके नीचे अगर मैं जीन्स पहन लूँ देन ये शूज कैरी कर लूँ तो भी बहुत अच्छा लुक आएगा एंड इजिली चले जाएंगे इस कुर्ती के साथ भी। सो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि इसको आप डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट के साथ भी पहन सकते हो। अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो डेफिनेटली आपके कलेक्शन में एक व्हाइट शूज होना ही चाहिए। सो थोड़ा सा पैटर्न इनका चेंज है, दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इनको ले लो अगर आपका मन है। सो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ले सकते हो बिकॉज क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लग रही है ऑनेस्टली। एंड आई थिंक ये मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि क्वालिटी काफी अच्छी है, क्वालिटी काफी अच्छी है। सो काउंट कर लो। ओके सो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोर द नेक्स्ट आइटम इन दिस हॉल वीडियो, लेकिन इससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है सो दिस इज माई हैंडल, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहां पर मैं बहुत ही प्यारी प्यारी रील वीडियोज, लाइव से जुड़ी यूट्यूब वीडियो से जुड़ी काफी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे खुद ही नहीं आता कि इसके अंदर क्या होगा। दीज आर लूफर्स। सो ये देखिए ब्लैक कलर में मैंने लूफर्स लिए हैं बिकॉज जो ट्राउजर्स होते हैं ना स्पेशली ब्लैक, तो उनके साथ आप ये लूफर्स पहनो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके के आपको लूफर्स मिल जाएंगे। इनका जो फैब्रिक है वो वेलवेट है एंड यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ लगा हुआ मिल जाएगा जो कि गोल्डन कलर का है, तो ये काफी अच्छा लग रहा था। नीचे का शोल आपको इस तरीके का मिल जाता है। अगेन आई एम इन द साइज 39 एंड ओवरऑल इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो बट जो इसका वेलवेट फैब्रिक है ना इसमें डस्ट बहुत ज्यादा बैठ जाती है, सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। और इसको आप कुर्तीज के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, अगर कुर्ती के साथ आपने नीचे बॉटम में ट्राउजर पहना है सो डेफिनेटली आप स्टाइल कर सकते हो। कई से ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि पार्टी फंक्शन के लिए काफी अच्छा है, जैसे अगर आपके ऑफिस में पार्टी है सो आप इस तरीके के लूफर्स ट्राई करो, बहुत अच्छा लगता है। कोट के साथ ये लूफर्स भी अच्छे लगते हैं। और अभी सैवी आ चुकी है। सैवी व्हाट आर यू डूइंग, कि पूरा यार टहल रही है। चलो हाय बोल दो। हाय, बाय बाय बोल दो। ये क्या है? कुछ नहीं है, जाओ मम्मा के पास। कैरी करा हुआ है। अब कोट के साथ आप सूज तो कैरी नहीं कर सकते ना, कोट और आपने ट्राउजर पहना है उसके साथ आप सूज कैरी नहीं कर सकते। सो ये लूफर अगर आप कैरी करोगे तो ओवरऑल लुक आपका काफी स्मार्ट लगेगा। सो डू गिव इट अ ट्राई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई थिंक इनको मैंने लिया था 449 के अराउंड। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट होप आप लोगों को मेरा आज का हॉल वीडियो पसंद आया होगा। जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू माय नेक्स्ट वन।